भारत में परंपरा और संस्कृति का मेला लगता है। हर खेल को जुनून से खेला जाता है। देशभक्ति की मिसाल कायम करते हैं जिसके जवान, वो कोई और नहीं, वो है मेरा हिंदुस्तान। भारत के रग रग में बसे जुनून से भरी ऐसी कहानियां जो आज हमारे सफर का हिस्सा है। सबसे पहले ऐसे खेल की दास्तां सुनिए जिसका प्रचलन महाभारत के काल से है। जानिए आखिर वो कौन सी चीज है जिसने पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत में जन्म लिया और आज दुनिया भर को देश की खुशबू से महका रहा है। भारत में एक ऐसा जंगल है जहां एक या दो नहीं, करीब 1 करोड़ प्राचीन मूर्तियां हैं। उसके बाद सलामी देंगे आधुनिक भारत के एक और अजूबे को, यानी सियाचिन में भारत की रक्षा करती इंडियन एयरफोर्स को, जो तैनात है दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पर। मशरूम्स तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बेशकीमती मशरूम्स में से एक कश्मीर की वादियों में मिलते हैं। कुछ ऐसी ही नायाब चीजों के सफर पर मेरे साथ चलते हुए आप भी यही कहेंगे, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। घाट घाट पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी, अतरंगी इस देश की देखे भैया अजब कहानी। भैया इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जब मैं छोटा था तो सब कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो चलिए आज आपको दुनिया के सबसे पुराने स्पोर्ट्स में से एक की कहानी सुनाता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा देखा गया ये स्पोर्ट आज 31 से भी ज्यादा देशों में खेला जाता है। पर क्या आपको मालूम है 4,000 साल पुराने इस खेल ने जन्म लिया था भारत की मिट्टी में। शक्ति और धैर्य की अनोखी परीक्षा कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। तमिल शब्द काई पीढ़ी से बना है जिसका मतलब होता है हाथ पकड़ना। कबड्डी देखने वाले ज्यादातर लोग इसे ताकत का खेल समझते हैं जिसमें शारीरिक झड़प शामिल हो। आप अनफिट होकर कबड्डी नहीं खेल सकते। इसमें इतनी फुर्ती से छूना सिखाया जाता है जितनी तेजी से पलक भी नहीं झपकती। इंडिया में कबड्डी की कहानी सदियों पुरानी है। सच क्या है शायद पता ना चले, और इसकी शुरुआत की इतनी सारी कहानियां हैं और सारी दिलचस्प हैं। सारी कहानियां पुराने जमाने की हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कबड्डी की तकनीकें उन तौर तरीकों से मेल खाती हैं जो इंसान प्राचीन काल में खतरनाक परिस्थितियों में पलटवार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, कबड्डी से मिलती जुलती कहानियां तो महाभारत में भी लिखी गई हैं, जैसे दुश्मन के चक्रव्यूह में घिरे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की कहानी जो कबड्डी के दाव याद दिलाती है। हालांकि इस खेल में मामूली बदलाव किए गए, लेकिन लक्ष्य वही रहा, दुश्मन के इलाके में छापा मारना यानी रेड करना। ये एक टीम गेम है जिसमें बहाव है, उतार चढ़ाव है, टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ियों वाली 2 टीम्स होती हैं। एक के बाद एक दोनों टीम्स का खिलाड़ी, जिसे रेडर कहते हैं, लगातार कबड्डी बोलता हुआ दूसरी टीम के पाले में कदम रखता है। लक्ष्य, दूसरी टीम के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को छूकर वापस अपने पाले में लौटना। आज ये खेल लोकप्रियता की नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रो कबड्डी लीग के पहले सीजन को
43 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। उस साल ये आईपीएल के अलावा भारतीय टेलीविजन का दूसरा सबसे ज्यादा देखा गया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बन गया। आज जो खेल गली कूचों से निकलकर पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है, उसकी जड़ें हमारे देश से जुड़ी हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ऐसी कई चीजें जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भारत में ही इजाद किया गया था। जैसे शैंपू। शैंपू शब्द हिंदी शब्द चांपो से बना है। प्राचीन भारत में रीठा यानी सोप बेरी को सुखाकर दूसरे हर्ब्स मिलाकर बाल धोए जाते थे। सालों पुरानी एक ऐसी ही धरोहर आज भी मौजूद है। सैंडलवुड, एक ऐसी लकड़ी जिसमें आस्था की खुशबू है और औषधि बनने की खासियत भी। इसी लकड़ी से बना 100 साल पुराना ब्रांड दुनिया के बेहतरीन सोप्स में से एक, द माइसोर सैंडल सोप। दुनिया का इकलौता साबुन जो 100% सैंडलवुड ऑयल से बना है। यकीन नहीं होता? टेक अ लुक। ये कहानी हमें लेकर आई है कर्नाटका, जो दुनिया में सैंडलवुड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इस बेशकीमती लकड़ी का एक्सपोर्ट ठप हो गया, तब मैसूर के महाराजा कृष्णा वोडेयार और उनके दीवान एम विश्वेश्वरैया ने गवर्नमेंट सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री को सेटअप किया। मकसद था सरप्लस सैंडलवुड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना। फिर एक दिन महाराजा को इसी सैंडलवुड ऑयल से बना सोप तोहफे में मिला। उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना फैक्ट्री में एक्सट्रैक्ट हो रहे ऑयल से सोप बनाया जाए, और तैयार हुआ वर्ल्ड फेमस मैसूर सैंडल सोप। उस वक्त से लगभग 104 साल हो गए हैं, बिना रुके लगातार 100% नेचुरल सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल करके हम लोग ये मशहूर सैंडल सोप बना रहे हैं। कर्नाटका में सैंडलवुड ट्रीज बहुतायत में मिलते हैं, इसीलिए तो इसे लैंड ऑफ सैंडलवुड भी कहा जाता है। ऊंचाई देख रहे हैं, ये पेड़ 30 फुट तक बढ़ते हैं और 60 से 80 साल तक जीवित रहते हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ में ऑयल कहाँ छुपा होता है भाई। मैं बताती हूँ, सैंडलवुड ऑयल दरअसल रूट्स, ट्रंक और बड़ी ब्रांचेस के हार्डवुड में पाया जाता है। हार्डवुड यानी लकड़ी का दिल या सबसे अंदरूनी हिस्सा, जो आमतौर पर 20 साल के बाद ही बनना शुरू होता है। जब हम मैसूर सैंडल सोप बनाते हैं तो हम एक नेचुरल चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो है चंदन का तेल। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। आमतौर पर एक टन लकड़ी से 40 किलोग्राम चंदन का तेल मिलता है, यानी 4%। 40 किलोग्राम चंदन के तेल से हम यही कोई 200,000 साबुन तैयार करते हैं। चलिए जानते हैं ऑयल से सोप कैसे बनता है। सोप बनाने के लिए आज भी इस्तेमाल होती है सदियों पुरानी टेक्निक्स। हर बैच में परफ्यूम और नेचुरली एक्सट्रैक्टेड सैंडलवुड ऑयल इस्तेमाल होता है। सही कंसिस्टेंसी के लिए सोप मिक्सचर को 3 बार अलग अलग तरीके से पीसा जाता है। आखिर में हर सोप को पैक कर दिया जाता है इन क्लासिक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में। आज हम लगभग 21,000 मैट्रिक टन सैंडल सोप बनाते हैं, और ये सैंडल सोप्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकते, बल्कि दुनिया भर में इस इंडिया की शान को पसंद किया जाता है। इकलौता सोप जो 100% सैंडलवुड ऑयल से बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जन्मा और करीब 100 साल से दुनिया के कोने कोने को अपनी खुशबू से महका रहा है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अब हमारा सफर त्रिपुरा के अनछुए जंगलों में पहुंच गया है, जहां भगवान शिव को समर्पित तीर्थ स्थल है। वाओ, क्या जगह है ये। क्या लगता है आपको कितनी मूर्तियां होंगी यहाँ? सैकड़ों, हजारों, लाखों? जी नहीं, मैंने सुना है यहाँ 99,99,999 मूर्तियां हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चट्टानों को काटकर बनी ये मूर्तियां कब और कैसे बनी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। चलिए इस जगह के रहस्यों का पता लगाते हैं। ऊनाकोटी त्रिपुरा,
जहाँ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी है ये बेहद रहस्यमयी मूर्तियाँ। जानते हैं इस जगह को ऊनाकोटी क्यों कहते हैं? दरअसल ऊनाकोटी एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है एक करोड़ से एक कम। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पत्थरों में तराशी गई है देवी देवताओं की 99,99,999 रॉक कट कार्विंग्स। वैसे तो इन मूर्तियों से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है त्रिपुरा के माणिक्य राजाओं द्वारा लोकप्रिय की गई कहानी जिसका संबंध भगवान शिव से है। कहते हैं ऊनाकोटी के इन्हीं जंगलों से होते हुए शिवजी काशी जा रहे थे और एक रात यहीं रुक गए। उनके साथ थे 99,99,999 देवी देवता। शिवजी ने उन सबको सूर्य उदय से पहले जागने को कहा, लेकिन अगली सुबह जब कोई भी समय पर नहीं जागा तो उन्होंने सबको श्राप देकर पत्थर में बदल दिया। ये तो हुई विश्वास की बात, लेकिन आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये जगह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाई गई है। पत्थर के बड़े टुकड़े, शानदार मंदिर, पूरा का पूरा टीला, सब एक लिविंग रॉक से बनी हुई एक ही चट्टान को काटकर बनाया जाता था। टूरिस्ट्स अक्सर इसकी तुलना अमेरिका के माउंट रशमोर से करते हैं जिस पर US प्रेसिडेंट्स की कार्विंग्स बनी हुई है। ऐसी ही एक और जगह है कंबोडिया के बायोन के मंदिर। कंबोडिया में जो मशहूर बायोन के मंदिर हैं, उनमें भी ऐसे बड़े बड़े चेहरे बने हुए हैं मंदिरों के ऊपर। वो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर एक मंदिर बनाकर फिर उस पूरे मंदिर को एक चेहरे के रूप में कार्व कर दिया है। यहाँ पर अलग है, ये एक ही पत्थरी इलाके में लेके पूरे चट्टानों के ऊपर एक एक चट्टान पर किसी को दर्शाया गया है। यहाँ ऐसी कई मूर्तियां हैं जो प्राचीन बास रिलीफ आर्ट से मेल खाती हैं। जैसे करीब 30 फुट ऊंची काल भैरव की ये भव्य मूर्ति। कुछ और शानदार मूर्तियों में शामिल है नंदी, गणेश और दुर्गा की रॉक कट कार्विंग्स। ऊनाकोटी की ये रहस्यमय मूर्तियां कब बनी और इन्हें किसने बनाया, कैसे बनाया, इस गुत्थी को तो कोई नहीं सुलझा पाया। लेकिन एक बात तो मैं गर्व से कह सकती हूँ, इतनी सारी भव्य मूर्तियां एक साथ, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अब वक्त आ गया है आज की सलामी का। एक और भारत में वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है तो दूसरी ओर है दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन। भारत का वो हिस्सा जिसके एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान। 76 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर पर करीबन 3,000 भारतीय सैनिक तैनात। लेकिन यहां जीवन हर पल किसी चुनौती से कम नहीं है। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरी ओर बर्फीली हवाएं करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यहां पर सैनिकों की देखरेख करना और एयर स्पेस को सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाती है इंडियन एयरफोर्स। इक्कीस हजार फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर इंडियन एयरफोर्स दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड पर उड़ान भरती है और इस जानलेवा इलाके में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैनिकों तक खाना, पानी और हथियार पहुंचाए जाते हैं।
बेहिसाब ठंड और बेरहम मौसम से लड़ते हुए इंडियन एयरफोर्स जिस जज्बे से देश की सेवा कर रही है उसे आज हम तहे दिल से सलाम करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। इमेजिन अगर आपको अचानक 40,000 रुपए मिल जाएं, तो आप क्या खरीदेंगे? अपना फेवरेट स्मार्टफोन, गोल्ड, सिल्वर? लेकिन अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 1 किलो मशरूम्स ही खरीद पाएंगे तो चौंक गए। आई एम टॉकिंग अबाउट गुची मशरूम्स। आपको पता है कि कश्मीर में उगने वाले ये मशरूम्स दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव मशरूम्स में से एक है। क्या कहते हैं, इन्हें टेस्ट किया जाए? मशरूम्स कहने को तो ये जंगल में भी उगते हैं, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में इनकी कुछ बहुत ही रेयर वैरायटीज भी मिलती हैं। शांतरेल्स हो, यूरोपियन वाइट ट्रफल्स या फिर यात्सा गुनबू, इन मशरूम्स की कीमत हजारों में है। ऐसे एक मशरूम की खोज में आज हम आए हैं कश्मीर। यहाँ मिलते हैं बेहद रेयर और दुनिया के 5 सबसे एक्सपेंसिव मशरूम्स में से एक, गुची। जानते हैं गुची इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन्हें उगाया नहीं जाता, ये खुद उगते हैं। गुच्छी जो है ये साउथ एंड नॉर्थ में मिलते हैं, कश्मीर के। जैसे इसको मोरल कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं गुच्छी, हम कश्मीरी में इसको गुच कहते हैं। और यकीन मानिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है इन्हें ढूंढने में, पहाड़ों के कई चक्कर लगाने के बाद हासिल होते हैं गुच्छी। चलिए शेफ अब्बास से जानते हैं कि ये हमें कब, कहां और कैसे मिलेंगे। असल में तो यही ये मोरल्स और ये गुच्छी जो है ये यही मिलते हैं। ये मार्च और अप्रैल के महीने में होते हैं, जब बिजली गिरती है, बादल गरजते हैं और बरसात होती है, तब ये मिलते हैं। तो मेरे एक दोस्त है यहाँ पे जिन्होंने मेरे लिए स्पेशल रखे होंगे, जरूर उन्होंने मेरे लिए रखे होंगे, हम वहां से ले लेंगे। कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये है एक बेहद खूबसूरत गांव अरिपाल। यहाँ गुची को ढूंढकर, तोड़कर और सुखाकर बेचा जाता है। और यकीन मानिए अच्छी क्वालिटी के गुची तो 40,000 रुपए पर किलो तक बिकते हैं। वाओ! हाँ, ताजे है, स्मेल तो बहुत अच्छी है। खान साहब कब के? 25 साल के हैं। हाँ, ताजे हैं। वाओ! बिल्कुल नहीं, मुझे भी लग रहे हैं। खान साहब यहाँ तो लोग बोलते हैं कि मतलब इसके 2-3 वैरायटीज होती है, क्या ये सच है? तो मुझे तो 2 किस्म होते हैं, एक कन गुच होते हैं, दूसरा बद गुच होते हैं। सफेद है इसमें, हाँ। ये बद गुच है। अच्छा, जो काले काले हैं इसको बोलते हैं। वाओ, ग्रेट। जो भी यहाँ के रिचेस्ट है, जो मतलब बड़े लोग है, नवाबी वाजवान जो होता है उनको वो यूज करते हैं, ये कश्मीर की स्पेशलिटी है। हम कश्मीर तक आए हैं और इसकी स्पेशलिटी को टेस्ट भी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले ये तो जान ले कि गुची को कौन कौन सी क्विजींस में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत सारे क्विजींस में ये गुची बनाए हैं, लाइक चाइनीज में बनाए हैं, अरबिक में बनाए हैं, इटालियन में बनाए हैं, बट कश्मीरी खाने में जो इसको मज़ा है, जो पुलाव में या कौरमा बनाओ, इसकी यखनी बनाओ या स्टफ करके बनाओ, जो उसमें स्वाद है वो उन कुजीनों में नहीं है। जैसे आपने शिता के चाइनीज में टेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वैसे ये गुच्छी है, अगर आपने कश्मीरी कुजीन में ये टेस्ट नहीं किया तो मतलब आपने कश्मीरी खाना खाया ही नहीं। जब गुची को कश्मीर के दूसरे कमाल के जायकों का साथ मिल जाता है तो पुलाव और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ये लीजिए, हो गया हमारा गुची पुलाव तैयार, टेस्ट करें। खास मौकों पर खास मेहमानों के लिए बनाया जाता है गुची, और सिर्फ भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी इसके दीवाने हैं। इसीलिए तो आज ये दुनिया के कई बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में शामिल है।
जब भी मौका मिले गुची का स्वाद जरूर चखिएगा और सबको बताइएगा। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। एक ओर भारत परंपरा की खुशबू से पूरी दुनिया को महका रहा है तो दूसरी ओर इसके नायाब अजूबे सबको हैरान कर रहे हैं। वेल, आज का सफर यही खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे जल्द मिलूंगा भारत से जुड़ी ऐसी ही कई और कहानियों के साथ जिन्हें आप सुनकर जरूर कहेंगे इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।